नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म है उसका आज हम लोगों का 30 तारीख हो गया, कल इसका लास्ट डेट है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी दो वीडियो बनाया था तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी दो वीडियो बनाया था जिसके मैंने पूरा डिटेल में बताया था। एक मैंने 26 को डाला था वीडियो जिसमें 25 तक का डेटा बनाया था, और आज ही मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 29 तक का डेटा बनाया था। तो अभी देख सकते हैं, ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, ये 30 तारीख का है और 2:52 PM का है। तो ये एक सिकंदराबाद का डेटा है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट जो हुआ है 2811, ये आपका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, 67,785। तो सिकंदराबाद के रिगार्डिंग यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज अवेलेबल है हर जगह गलत डेटा है। यहाँ तक कि मैंने भी जो अपने पहला वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मैंने जो डेटा दिया था तो लगभग काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएबल था। जैसे मैंने 26 तारीख को जो वीडियो बनाया था मैं बताया था कि यहाँ पे 6,45,765 फॉर्म फिलअप हुए हैं, इसलिए ये 10वां नंबर पर आ रहा था। लेकिन मैंने वहाँ पर स्टार लगा दिया तो बताया था कि ये डाटा में मुझे डाउट है। तो ये एक्चुअल डेटा ये है 67,785, और इसका मैं सीट मैट्रिक्स भी डाउनलोड करके रखा हूँ कि ये जो हम लोगों का सिकंदराबाद में गया, सिकंदराबाद का सीट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो टोटल सीट है हम लोगों का वो है 3,264, ठीक है। तो 3,264 उस हिसाब से इधर हम लोग देखे हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग कितना जनरेट हुआ, हम लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जो हम लोगों का जनरेट हुआ है वो है 67,785, ठीक है। 6,7785 यहाँ पे हम लोग करते हैं 6,7785, इसको डिवाइड करते हैं 3,234 से, 3,234। तो ये हमारा आता है लगभग लगभग 20.96। मतलब आप देख सकते हैं कि लगभग 21 कैंडिडेट ही हैं मात्र सीट पे। तो यदि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फॉर्म भर दोगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना तैयारी में लग जाइए। लेकिन जो लोग नहीं भरे हैं या जिनके पास एडिट का ऑप्शन है, तो सिकंदराबाद का ये डेटा था जो कि मुझे बताना था, इसलिए मैं जल्दी आपको वीडियो बना के दे दे रहा हूँ। तो सिकंदराबाद का ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान करने वाला डेटा है कि मतलब मात्र 20 कैंडिडेट है एक सीट पे, जहाँ की एक एक सीट पे हम लोग देख चुके हैं अभी तक। मतलब एवरेज जो कल हम लोग देख रहे थे एक सीट पे लगभग 400 कैंडिडेट थे, कहीं कहीं 500-500 कैंडिडेट भी थे, 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो ये एक डेटा था जो मुझे आपको बताना था। देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग मुझे मेल भी मिला है, तो मेल भी मेरे सामने यहाँ पे खुला हुआ है। देखिए ये हमको 2:52 पे मेल आया है, यहाँ पे भी वही रजिस्ट्रेशन नंबर है 67,785, ठीक है। तो डेटा में तो कोई दो राय नहीं है, जो कि एक डेटा था जो कि कॉम्पिटिशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये मुझे बताना था, और इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के डेटा के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और यदि आप रेलवे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल विजिट कीजिएगा, यहाँ पे रेलवे का लगभग 250 से ज़्यादा वीडियोज़ है यहाँ पे, और रेगुलर वीडियोज़ डाला जा रहा है सारे सब्जेक्ट्स का। साथ में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्रैश कोर्स भी करवा रहे हैं, जॉब का भी सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। और यदि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो आप लोगों में से कोई यदि इंटरेस्टेड होंगे या आपके कोई रिलेटिव में होंगे, यदि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का कोई कोर्स वगैरह हम लोग के द्वारा स्टार्ट किया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम लोग आप लोगों का कमेंट को देख करके कोर्स को स्टार्ट करने का सोचेंगे। तो ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारा चैनल विजिट कीजिए। साथ में जामिया मिलिया का भी हम लोग तैयारी करवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह का इस सब प्रिपरेशन पर कोई ध्यान देता नहीं है। तो बस आप लोगों का रिक्वायरमेंट यदि अगर होगा तो डेफिनेटली हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये सब कुछ आप लोगों का रिक्वायरमेंट ही ऊपर, जैसे कहते हैं नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आप लोगों को यदि अगर जरूरत होगा तो हम लोग डेफिनेटली आप लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था सिकंदराबाद का। तो यदि अगर जो कोई भी इधर कुछ वेट कर रहे थे तो आप जल्दी से इसको फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद जितना जल्दी से जल्दी हो सके भर दीजिए, क्योंकि आज 30 तारीख हो चुका है और कल 31 तारीख है। तो कल भर ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यदि अगर आप नहीं भी किए हैं तो कल तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फॉर्म आराम से आप 5 तारीख तक फिलअप कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो कि RRB का ये जो होम वेबसाइट है, यहाँ पे आपका जो 31 तक ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, 5 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहला पेमेंट कहीं पे जाता है, ठीक है। तो आप आराम से इसको पेमेंट कीजिए, और सिकंदराबाद ये जोन है इसका मैं डिटेल आपको बता दिया हूँ, आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।